विकसित भारत विकसित जम्मू काश्मीर तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए जम्मू काश्मीर में 1661 करोड़ खर्चे निर्माण पामेल अत्याधुनिक एम्स बिल्डिंग हारमाळानुं लोकार्पण कर्युं हतुं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत निर्माण संकलन में एक दशक में देश मस्तिष्क में जम्मू काश्मीर में बम बारूद और बंदूक साथ हिंसा अंत आण्यो छे। देशना सुवर्णमय इतिहास साथ अमृतकाल में वधु एक पान उमराई चूक्यु छे। देश की आजादी बाद प्रथम वखत जम्मू काश्मीर अवामने जनमुहरित नामे भड़कावनार हुर्रियत अलगतावादीओने एम्स लोकार्पण समारोह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए सरसरतो जवाब आप्यो छे। जम्मू काश्मीरना युवा मानस में एक प्रकारनो मानसिक भय साथेनी परिस्थितिओनुं निर्माण करनार पोताना खोफनाका मनसूबा पार पाडवामां निष्फळ निवड्या छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष नेतृत्व में जम्मू काश्मीरना युवाओं आगजनी पत्थरमारो तेमज हिंसा घटनाओं पाछला एक दशकना परिवर्तन काल में धरमूळथी उखाड़ी फेंकाई छे। आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। यही वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में एमबीबीएस की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक एमबीबीएस की सीट यहां पर है। 2014 से पहले यहां पर एक भी मेडिकल पीजी की सीट नहीं थी। वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 650 से अधिक हो गई है। 4 सालों में यहां करीब 45 नए नर्सिंग और पैरामेडिक कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें सैकड़ों नई सीटें जोड़ी गई हैं। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो बड़ी उम्र के साथी यहां आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कल्पना से भी परे था। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है। बीते 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए हैं। उनमें से एक जम्मू में आज आपकी सेवा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत निर्माण संकल्प सिद्धिओ वर्ष 2019 में एम्स शिलान्यास साथेनी मजबूत नींव साकार थई छे। जम्मू काश्मीर में 226.84 एकड़ जेटली विशाल काया जमीन पर 1661 करोड़ खर्चे निर्माण पामेला एम्स बिल्डिंग हारमाळानुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए लोकार्पण कर्युं हतुं। राज्यना नागरिकोनी स्वास्थ्य संबंधी सुचारू व्यवस्थाने जाळवतो बेनमून उदाहरण जम्मू काश्मीरनी नवी एम्स बिल्डिंग हारमाळा छे, जेमां इमरजन्सी ब्लॉक, आयुष ब्लॉक तेमज हेलीपेड सहितनी तमाम सुविधा उपलब्ध छे, जे बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों माटे पण कारगर साबित थशे। आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। आर्टिकल 370 थी मुक्ति बाद काश्मीर भारतनुं अभिन्न अंग बन्युं छे। ते पहेला देशनी आजादीना 7 दशकमां जम्मू काश्मीर मात्र कहेवा पूरतुं भारतनुं अभिन्न अंग कहेवातुं हतुं। आजादी बाद पण सत्ता संतरन चालनार आकाओए खीणवासीओनी गुलामीनी जंजीरो जकड़ी राख्या हता। जम्मू काश्मीरना युवानोनी आंखोना डॉक्टर, एंजीनियर, वैज्ञानिक बनवाना सपनाओ खुल्ला आकाशमां विहरवा पलखा मारी रह्या हता। पाछला एक दशक में जम्मू काश्मीर युवाओं सपनाओने नवी पाखो मळता धीरे धीरे क्षितिज ने आपवा उड़ान भरी रही है। आज आप देखिए गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। जम्मू काश्मीर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समग्र देश में 32,000 करोड़ 220 जेटली शिक्षण, रोड, रेलवे सहित विकास परियोजना लोकार्पण और खातमुहूर्त कर्यु हतुं। त्यारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत निर्माण संकल्प एक ज दशक में देश में मस्तिष्क समा जम्मू काश्मीर में बम, बारूद और बंदूक साथेनी हिंसा नो अंत आण्यो छे।